जिस तरह से इंसान को जीवन यापन करने के लिए एक मकान की ज़रूरत होती है, जिस तरह से हम अपने मकानों में रह रहे अपने बच्चों की वहाँ से शिक्षा भी देते हैं, हमको जो खाना पीना होता है घर में खाते पीते हैं, हमारे घर जो मेहमान आते हैं वो घर ही से हो पाता है। लेकिन आप सोचिए एक मिनट के लिए कि जिसके पास घर ना हो तो वो अपने बच्चों को किस तरह से एजुकेशन देगा, किस तरह से जो स्वास्थ्य की सेवाएँ वो उनको मुहैया करा पाएगा। आप घर में रहते हैं, क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि किसी के पास अगर घर ना हो तो अपना जीवन किस तरह से व्यतीत कर रहा होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव समाचार टीवी पर, मैं हाशिम गोरी। इंकलाब, किसी से बाहर नहीं, समस्या हमारा जान ली जाए जो कुछ हमका हमारे संग सेवा करे वाली हो। समस्या यह है सर, किसी से भीख मांगते। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर तहसील लहरपुर के अंतर्गत एक गांव आता है बलरिया और बुधवा। दरअसल बात 2011 की, यहां पर एक बाढ़ आई थी, बाढ़ में जो है पूरा गांव समा गया था। 2011-2019 चल रहा है, लगभग 8 साल हो रहे हैं, लेकिन इनको यहां पर घर, इनका जो मकान है वो नहीं बन पाए। इसकी वजह ये है कि इनके पास ज़मीन नहीं है, अभी तक सरकार ने इनको जो है ज़मीन मुहैया नहीं कराई। बड़े बड़े यहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकारी भी आए, नेतागण भी आए, लेकिन आश्वासन देकर चले जाते हैं। तो इसलिए इनको जो है 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, साल, 1 साल के बाद ये जो है धरना करते आ रहे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरा प्रकरण क्या है हम जानेंगे अशोक मौर्य साहब से, कि पूरा ये प्रकरण बताएंगे कि कब से ये धरना कर रहे हैं और कब कब इन्होंने धरना किया। आप पूरा प्रकरण आप हमें बताएंगे कि कहाँ से समस्या जो है उत्पन्न। गांव बड़रिया 2011 में शारदा नदी कटान से पूरा गांव तहस नहस हो गया, उसके बाद 2012 और 13 में बुधवा और बरसिता का हिस्सा कटा। तो हमने इन लोगों के नेताओं से बात की तो नेताओं ने कुछ नहीं सुना, तो हमने 2014 में जिला स्तर पे भूख हड़ताल किया। 2011 से अब तक आपके कितने धरने हो चुके हैं? 2011 से अब तक 8 धरने हो चुके हैं, उसमें भूख हड़तालें सब रही। अच्छा, जो आपकी भूख हड़ताल और जो धरने आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका जो आपके सामने जो नतीजा आया, क्या आया निकलकर सारे धरनों का? सब कोरे क्या निकला है? सब कोरे आश्वासन रहे, किसी आश्वासन में हमें सफलता नहीं मिली। तो आपको क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद है कि अब जो है, अभी एक जो धरना लास्ट में हुआ जून में, उसमें SDM सुरेश कुमार मौर्य जी अच्छा काम कर रहे थे। समस्या हमारा जान ली जाए जो कुछ हमका हमारे संग सेवा करे वाली हो। दादा, आपकी क्या समस्या, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से, आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांगे साहब यही है कि हमका घर हमारा कटगवा नदी में है, तो हमका जमीन दी जाए और घर दिया जाए, मतलब आश्वास दिया। 1,73,00,000 रुपया स्वीकृत करा चुके हैं। 5-8 तारीख को उन्होंने फाइल गई और 20 अगस्त को पैसा आया, बाकी के नाम छूट गए लेखपाल की बदमाशी से। उसमें मैंने शिकायत की और वो लिस्ट नहीं दिखाने दिया, इसलिए कुछ नहीं हो पाया। बाकी कितने परिवार जो है जद में आए? केवल 80 परिवारों को जो है अभी तक पैसा स्वीकृत हुआ शासन से। लेकिन जो परिवार जो है, जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, कितने परिवार हैं जिनको समस्याएं हैं? समस्या सभी परिवार को है, मतलब 251 परिवारों को समस्या है, अभी किसी को कुछ नहीं मिल पाया है। केवल कहना है कि पैसा स्वीकृत हुआ। जो धरना चल रहा कितने दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए आपको? 6 दिन हो गए हैं पूरे। 6 दिन में 7 लोगों की हालत बिगड़ चुकी है। 4 लोग अभी सीतापुर अस्पताल में भर्ती है, तंबौर से जा करके उन्हें सीतापुर भर्ती कराया गया, यहाँ से रेफर किया गया, वहाँ हमारे यहाँ धरना के कुछ लोग गए हैं। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जो लोग, वही लोग मतलब जो है जी, मतलब जो भूख की वजह से बीमार पड़े। हाँ, भूख की वजह से बीमार हुए। यदि कोई बीमारी मतलब इस धरने से खत्म होता, उसमें जो है प्रशासनिक अधिकारियों का भी वो रहेगा, इन्होंने जिम्मेदारी निभाते तो ये लोग इनके साथ कुछ नहीं घटना करती। आपके पास कोई डॉक्टर यहाँ पर, जैसे भूख हड़ताल जब होती होता है कि जब भूख हड़ताल होती तो वहाँ पर जो संबंधित डॉक्टर होते हैं वो भी यहाँ पर जांच करने के लिए आते हैं कि कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो यहाँ पर संबंधित कोई डॉक्टर आपके पास? यहाँ पर कोई संबंधित डॉक्टर नहीं आए। क्या समस्या है आपकी? समस्या है घर कटिया है, तो रहा के यहाँ ठौन नहीं है, हमका कॉलोनी और जगह दी, जगह मिलना है। आपकी क्या समस्या? मैं समस्या यह है साहब, घर कट गया रहा तो ना रहा का ठौर है, ना बसा का ठौर, ना झोपड़ी है, ना नीलम है। अच्छा, क्या आपकी समस्या? समस्या यह है कि हमारे रोड पर पारे हैं, हमारे रहा क्या ठौर ना है, बच्चन का हम बचाऊ बहुत भारी है, तो हमका खाली जगह दिला दी। क्या समस्या आपकी? हमारे पास घर मकान नहीं है, घर के लिए मर रहे हैं, दिन रात कोई सुनता नहीं है।
2011 से नहीं मर रहे हैं आज तक। आपका धरना कब तक चलेगा यहाँ? धरना चलेगा जब तक यहाँ हम लोगों की कोई समस्या का हल नहीं निकलता है तब तक। इसमें भले ही हमें 2 महीना 3 महीना 4 महीना या 2-3 साल लग जाएं, हम धरना नहीं तोड़ेंगे। आपकी जो गांव था तो चलो नदी में समा गया, पूरा गांव चला गया, लेकिन आप जो जमीन चाह रहे हैं कहाँ पर चाह रहे हैं? मतलब जमीन सरकार हम... इसका मतलब निर्णय लगा कि कहाँ पर हमको देंगे, या आपने मुतय्यन कर लिया पहले से कि हमको ये जमीन यहाँ पर दे दी जाए? जहाँ पर सरकार ने खरीदा है जमीन, अब इसके खरीदी जा चुकी है सरकार के द्वारा। जिस जगह हम बैठे हैं, जिस जगह हम बैठे हैं ये जमीन खरीदी जा चुकी है, इसी के पास पड़ोस खरीद करके हम लोगों को बसाया जाए, पास पड़ोस में बताया जाए। आपको जानकारी है कितनी जमीन सरकार ने खरीदी आप लोगों के लिए? हमारे लिए 16 बीघा जमीन खरीदी है। जो 80 परिवार जो पीड़ित हैं जी, उनके लिए जो है कितने बीघा बताया? 16 बीघा जमीन खरीदी गई है। लेकिन अब इसमें क्या मतलब दुश्वारी है? दुश्वारी ये है मतलब केवल 80 परिवार, उसमें 80 परिवारों में मेरा भी नाम है, लेकिन मेरे नाम से कुछ नहीं, मैं समाज सेवा करता हूँ, जब सब लोग पाएंगे तब मैं उस जमीन। लेकिन समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है? जमीन खरीद ली गई है तो आपको आवंटित क्यों नहीं हो रही? नहीं, समस्या यहाँ से उत्पन्न समस्या भी उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाया, जमीन बैनामा हुआ है, लेकिन बाकी के लोगों का नाम शासन को नहीं भेजा गया, इसलिए मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ, बाकी के लोगों को जमीन भी दिलाई जाए। अच्छा, तो मतलब आप जो है कभी एसडीएम ऑफिस या डीएम ऑफिस आप कभी गए इसके लिए? 23 तारीख को डीएम साहब से मिले जी। हमने इस पर चर्चा किया, सर इतना इतना मामला है, 250 परिवार कटे थे, लेकिन 80 परिवार को बसाया जाएगा, बाकी के लोग कहाँ रहेंगे? बाकी के लोग कुछ लोग चले गए हैं अपने रिश्तेदारी में जीवन यापन कर रहे हैं, कुछ लखनऊ में मजदूरी कर रहे हैं, कुछ पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं, कोई नेपाल में मजदूरी कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, दुखी आप इसमें बच्चे हैं और बच्चों का भविष्य पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल बिगड़ चुका है, 8-8 साल हो जाए किसी के परिवार का इधर उधर रहने से तो उनके बच्चे क्या करेंगे, उनके बच्चे मजदूरी। आप जो है तहसील प्रशासन से और जिला प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो जमीन सरकार ने खरीदी है उसको शीघ्र ही आवंटित कर दी जाए, अगर कुछ लोग रह जाते हैं तो उनके लिए अलग से जमीन खरीदी जाए, उनको भी मतलब जो है जमीन दी जाए ताकि वो अपना जो ऊपर घर बना सके। ये समस्या तो यहाँ पर जो जमीन 160 लोग जो है कितने 251 लोग जद में आए, लेकिन जो जमीन खरीदी गई इसमें सभी लोगों का हो नहीं पाएगा 80 लोगों का हो पाएगा। तो सबसे पहले जो है काम मतलब जो है जिला प्रशासन है, जो हमारा तहसील प्रशासन है और जो इससे संबंधित जो लोग आते हैं उनका सबसे पहले काम आपके अकॉर्डिंग ये है कि जो जमीन खरीदी गई है इस पर पहले 80 लोगों को दे दिया जाए, फिर अगर जो परिवार रह जाते तो उनके लिए जमीन खरीदी जाए, उनको भी वहाँ पर दी जाए, ये मुख्य समस्या आपकी ये है। जी 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 जी। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए अपनी समस्याएं बता रही है, सरकार जो है कुछ लोगों के लिए ज़मीनें खरीद ली है लेकिन इन पर जो अभी आवंटित नहीं हो पाया, तो जो 251 परिवार हैं तो इसमें जो है आवंटित कर दी जाए, तो यहाँ से ये भी तजुर्बा लग सकता है कि कितने अभी रह जाएंगे तो उसके हिसाब से वो ज़मीन खरीदी जा सकती है। अगर हम इस वक्त की बात करें तो जो ज़मीन खरीदी गई यहाँ पर इनको जो है आवंटित कर दिया जाए ताकि कुछ परिवार बच सके, तो आगे की अग्रिम कार्रवाई जो है पूरी की जा सकती है। धन्यवाद।